इंटे चरित्र का महत्व चरित्र का महत्व, महत्व चरित्र का महत्व इसी में पॉइंट नंबर फोर है पहला तिवती का छः अध्याय छः पद से मैं पढ़ लेता हूँ पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं यदि हमारे पास खाने और पहने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए उत्पत्ति उसका उनतालीस अध्याय ओके 39 ओके 39 12 पद उसका पर पदस्प बारह पदस्प्रकार से लिखा तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ करके कहा मेरे साथ सो पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ से छोड़कर भागा और बाहर निकल गया ओके इसका वचन दस में लिखा ऐसा हुआ कि प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग्रह एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपने काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ करके कहा मेरे साथ सो पर वह उसका वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया या देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया है उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा देखो वह एक इबरी मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी ओके वचन थर्टी नाइन का वचन दो कहता है यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहुआ उसके संग था उसके इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया और यूसुफ ने स्वामी यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यह उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यवा उसके हाथ से सफल कर देता है तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया बचन बचन छह क्लास में लिखा यूसुफ सुंदर रूपवा था इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें उठा आंख लगाए और कहा मेरे साथ सो पर उसने अस्वीकार करते हुए कहा अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा है इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनू अनिगा हमारा विषय क्या है चरित्र का महत्व यूसुफ जो मिस्र के पोती पर के घर में रह रहा था उसकी स्त्री ने उसे उसके साथ एक गलत व्यवहार करना चाह रही थी या वो चाह रही थी कि यूसुफ बहुत ही सुंदर है हैंडसम है उसके साथ वो तो व्यवचार करना चाह रही थी स्त्री लेकिन यूसुफ क्या कहता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप करूं? यूसुफ चाहता तो कोई देख नहीं रहा था लिखा है पूरी कहानी में कोई नहीं था घर में राजा वहां का जो पोती पर है उसने भी सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंपा था यूसुफ चाहता था, तो उस स्त्री के साथ भी विचार कर सकता था लेकिन यूसुफ ने ले नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे से पाप करूं परमेश्वर मुझे क्या करता है देखता है परमेश्वर मेरे संग रहता है तो चरित्र का महत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप और मैं जब प्रभु की सेवकाई करते हैं परमेश्वर हमारे चरित्र को क्या करता है है देखता है मैं सोचता हूं कि अगर उस दिन उस स्त्री के साथ विचार कर बैठता तो मिस्र का कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता सिर्फ उस पोती पर्व के घर में एक नौकर बन करके काम क्या करता लेकिन नहीं उसने गलत काम नहीं किया इसलिए परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया आप में हर कोई बड़ा बनना चाहते अपने जीवन में है ना आप अच्छे प्रचारक बनना चाहते अच्छे परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं जीवन में सफल होना चाहते हैं बहुत पैसा कमाना चाहते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे चीज हम अपने जीवन में करना चाहते हैं लेकिन जब तक आपका मेरा चरित्र पवित्र शुद्ध और अच्छा चरित्र ना हो आप अवैध परमेश्वर की सिंकाई भी क्या नहीं हो सकते सफल नहीं हो सकते। चरित्र बहुत सिर्फ सेवा की बात नहीं है दुनिया किसी भी कोने में चले जाओ आपका चरित्र महत्वपूर्ण है आपकी एजुकेशन से बड़ा आपके पैसे से बड़ा आपकी खूबसूरत से बड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड से बड़ा सबसे महत्वपूर्ण जो लोग क्या देखते हैं चरित्र तो प्रभु की सेवकाई के लिए भी चरित्र क्या है महत्वपूर्ण है सब चीजों से बट करके परमेश्वर हमारा क्या करता है जैसे हमने पढ़ा परमेश्वर देख रहा है किसका मन निष्कपट है कौन शुद्ध है कौन पवित्र है कौन धोखेबाज नहीं है ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है अपनी सेवकाई के लिए चुनता है तो हमारा चरित्र क्या है चरित्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण है त्रिवती में भी त्रिवती कहते हैं कि कैसा होना चाहिए संतोष में ईश्वर भक्ति में हमारा जीवन होना चाहिए है ना किसी चीज की ईर्ष्या ना करो किसी चीज का लालच ना करो किसी चीज का मन में क्या ना रखो लालच ना रखो ये सब चीजें क्या है कौन देने वाला है परमेश्वर एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए एक बार की बात है एक राजमहल में राजा बहुत धनी था बहुत पैसा था उसके पास और उस बात से राजा बहुत घमंड भी करता था और राजा की प्रजा उसे बहुत प्यार भी करते थे क्योंकि वो पैसे वाला था कभी कभी लोगों की मदद भी कर लेता था लेकिन धीरे 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 जब पैसा ज़्यादा आ गया उसका मान सम्मान ज्यादा होने लगा लोग उसकी तारीफ ज्यादा करने तो उसके मन में घमंड आ गए एक बार की बात है रात को जब राजा सो रहा था राजा को स्वप्न दिखाई दिया स्वप्न में परमेश्वर ने बात उस राजा से कहा हे hey राजा अगर आज ही रात तेरा प्राण लिया जाए तो तेरी धन तेरी दौलत इसका क्या होगा ये बेचैन हो गया राजा उठा बेचैन हो गया और उठ करके परमेश्वर से हे hey प्रभु आप जो भी परमेश्वर हैं आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए मैं मरना नहीं चाहता हूँ मैं आप बताइए मैं क्या करूँ फिर उसको कुछ समय के बाद फिर से राजा को नींद आ गई फिर से स्वप्न में उससे बातचीत होती है परमेश्वर से कहता है e, एक काम कर जितना तेरा धन दौलत है सोना चांदी है जो भी है सबको उठा करके क्या कर बेच दे बेच नहीं दे बांट दे लोगों को गरीबों को बांट दे फिर सुबह उठा उसको लगा ये अच्छी बात है और सुबह उठ करके अपने मंत्री को बुलाया मंत्री के साथ मीटिंग की मंत्रियों से कहा पूरे साम्राज्य में एक घोषणा करो कि राजा सबके लिए भोजन के लिए जेबना रखा हुआ है और सब लोग आए और भोजन करें फ्री हैं और कई सप्ताह तक चलता रहेगा तो सब लोगों ने मंत्री जा कर के पूरे शहर में पूरे साम्राज्य में घोषणा कर दी राजा ने आदेश दिया सबके लिए खाना है सब लोग अपने गांव छोड़ छोड़ करके राजमहल में पहुंचे राजमहल, राजमहल में राजा ने सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन तैयार किया एक दिन लोगों ने खाया आनंद किया दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन पांचवे दिन छठे दिन सातवें दिन जब राजा का धीरे धीरे जो भी खाने पीने की वस्तु थी जो पैसा था धीरे धीरे खत्म होने लग गया था राजा ने लास्ट दिन एक घोषणा की मेरे राजमहल में जो जो जिसको जो चाहिए सब ले लो तो आप समझ सकते हैं जैसी ऐसी घोषणा हुई वहां पर भक्त मच गया है ना कोई तो राजा के राजवन में सोने का जो ऊपर मुकुट लगा था वो छीनने लगे कुछ लोग जवान कुछ जो उनको पसंद था सब करने लगे ये बहुत बड़ा तमाशा जैसे वहाँ पर होने लगा कोई इसके ऊपर चढ़ रहा कोई उसके ऊपर चढ़ा कोई उसकी टांग खींच रहा कोई इसकी टांग जब तक कोई सोने का निकाला दस लोगों के हाथ वहाँ पर है तो आप समझ सकें बंधड़ मच गई राजा ये सब तमाशा देख रहा था देखो लोग कैसे चीजों के लिए मर रहे हैं लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं राजा की नज़र पीछे पड़ी एक बुजुर्ग बैठा हुआ था वो चुपचाप बैठा हुआ हंस रहा है सब चीज़ों को देख करके तो राजा ने सोचा ये पागल होगा क्योंकि पागल ही लोग हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए अपनी दुनिया में रहते हैं एक बार देखा तो सोचा पागल होगा फिर दूसरी बार देखा वो ध्यान से देख रहा सब चीज़ों को हंस भी रहा हो सोच भी रहा हो बुजुर्ग व्यक्ति राजा ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है राजा उठ करके वहाँ पर गया उसको भाई साहब आपको कुछ चाहिए नहीं क्या देख रहे हैं आप तमाशा आप क्या चाहिए आपको वो मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा फिर उस राजा ने उसने अरे भाई साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सब देख रहे हैं आप आपको कुछ नहीं चाहिए उसने कहा राजा जी मुझे चाहिए तो राजा ने आपको क्या चाहिए भाई जो सब मेरे पास है वो सब राजवन में वो लोग ले जा रहे हैं उसने कहा राजा मुझे सिर्फ आप चाहिए तो उसने कहा मेरा क्या करोगे सब राजमहल ले चला गया अब क्या करोगे मेरा उसने कहा राजा अगर आप मेरे साथ आए सबसे फिर से सब चीजें मेरी होगी ये सारी चीजें किसकी होगी मेरी हो भले वो ले जाए लेकिन राजा है भाई राजा है तो सब चीजें फिर से फिर से कर सकता है खड़ी तो उसने कहा हाँ, राजा मुझे आप चाहिए अगर आप मेरे साथ ये सारे दौलत जितने जा रहे ना उससे भी डबल आ जाएगी आप मुझे चाहिए तो इस बात को लेकर के राजा भी दंग रह गया और समझ गया कि ये व्यक्ति क्या है समझदार व्यक्ति है तो ये कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है अगर इस सृष्टि का परमेश्वर हमारे साथ है तो इस दुनिया की धन दौलत से हमें क्या लेना देना है है ना? अगर इस सृष्टि का राजा परमेश्वर हमारे साथ है तो संसार की धन दौलत जो है वो आएगी वो चली जाएगी लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ हैं जो उस चीज़ों का मालिक है तो जो आपको चाहिए वो दे देगा वो आपको दे देगा तो इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान क्या देना है अपने चरित्र का अपने चरित्र को बना के रखे और यूसुफ को मालूम था कि मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध जा नहीं सकता हूं है ना मुझे स्त्री क्या परमेश्वर कितनी भी सुंदर सुंदर दे सकता मुझे इसलिए मैं सच्चा रहूंगा ईमानदार रहूंगा इसलिए ईमानदार रहा उसने अपने चरित्र में एक भी दाग नहीं लगने दिया हालांकि लोगों ने कहा इसने भी विचार किया उसे जेल में डाला गया लेकिन जेल में भी वो क्या बना जेल का मुख्य अधिकारी बना और उस जेल में देखिए मिस्र के राजा के दो थे मंत्री वहां डाले हुए थे उसने उनका अनुवाद किया कि आपको जो स्वप्न दिखाई दे रहा है इसका अनुवाद ये हुआ ऐसा ही हुआ तब उसको याद आई मिस्र के राजा को एक दिन स्वप्न दिखाई दिया और उसका स्वप्न बताने वाला कोई नहीं था मंत्री को याद है। अरे जब मैं जेल में था तो एक यूसुफ करके एक व्यक्ति था उसने मेरे स्वप्न का जवाब दिया था वही बता सकते तो राजा ने उसको तुरंत उस जेल से बाहर निकाला और यूसुफ ने राजा बड़ा बुद्धिमान था उस समय का उसने कहा स्वप्न क्या मैंने स्वप्न देखा वो बताओ अनुवाद तो तब बता सकते आप, आप, तो बताओ, आप जब बताओ कि नहीं स्वप्न क्या देखा स्वप्न क्या देखा वो भी राजा ने बताया नहीं राजा ने कहा आप ये बताओ कि मैंने कौन सा स्वप्न देखा है अगर आप ये बता सकेंगे कि मैंने यह स्वप्न देखा तो उसका अनुवाद भी आप अच्छे से कर सके और यूसुफ ने यह बताया राजा आपने यह स्वप्न देखा और उसका यह अनुवाद है उस समय के पंडित बुद्धिमान ज्ञानवान जितने थे वो सब ने चकित रह राजा जब तक आप स्वप्न नहीं बताएंगे हम कैसे बताएंगे राजा बुद्धिमान था राजा ने कहा अगर मैं इनको अपना स्वप्न बता दूंगा तो कोई भी अनुवाद करके बता सकते हैं मुझे मुझे भी मालूम नहीं ना वो अनुवाद सही है कि नहीं है लेकिन राजा बहुत बुद्धिमान था राजा ने कहा मैंने क्या स्वप्न देखा है वो बताओ अगर आप ये बता पाओगे तो उसका अनुवाद भी मैं मान जाऊं कि आपने सही बताया और कौन उसको बता पाया यूसुफ बता पाए तो हमने क्या सीखा है चरित्र का महत्व अपने चरित्र को क्या रखना हमें अच्छा बनाकर रखें ठीक है बेटा आप फील्ड में जाएंगे सेवा के लिए आप सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी दिखेगी है ना कोई नहीं होगा अगल बगल में आपके फादर लोग नहीं होंगे पड़ोस में भी कोई नहीं होंगे है ना घुमाने के लिए मत लेके जाना कहीं होटल में है ना चाय पिलाने के लिए ठीक है कौन देख रहा है परमेश्वर देख रहा है ठीक है इसलिए क्या रहना है पवित्र अपने चरित्र को क्या रखें पवित्र रखें अगर पवित्र रखेंगे परमेश्वर आपको आश्वस्त देगा आगे बढ़ाएगा ठीक है विश्वास और धैर्य विश्वास और धैर्य के बारे में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास लेकिन अयुब अयुब बाइबल में एक अयुब एक उदाहरण है अयुब के बाइबल बताती है कि उसके जीवन में क्या हो गया फोड़े आ गए और फोड़े इतने भयानक हो गए कि उसके शरीर में बहुत सारी खुजली भी होती थी इससे पट करके अयुब के जितने धन दौलत थी उसकी बेट बकरियाँ थीं उसके बच्चे थे एक ने बताया कि आपकी बेटियाँ उनकी मौत हो गई तब तक दूसरे सेवक ने बताया आपके बेटे उनकी मौत हो गई तब तक तीसरे सेवक ने बताया आपके जो बेट बकरी चलाने वाले हैं उनकी मौत हो गई आपके गाय पशु सब की मौत हो गई ये सब न्यूज़ एकदम सुनने को मिला तुरंत 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 तुरं तुरं। आप थोड़ा सोचिए अगर अयुग की जगह आप और हो मैं होते तो आप हो मैं वहीं पर हॉबलेस होकर के शायद समाप्त हो जाते लेकिन अयुग देखिए ऐसी परिस्थिति में जब उसके बेटा बेटियां, उसके बहू उसके जानवर उनके धन दौरा जो कुछ था सब ख़त्म हो गया और ये तो चलो ये सब चीज़ें ख़त्म होने के बावजूद उसके शरीर में फोड़े हो गए फोड़े हो गए खुजली इतनी ज़्यादा होने लग गई उसकी पत्नी ने भी कहा भाई जिस परमेश्वर को तुम बात है उसको छोड़ दे लेकिन आयुब कहता है मैं नंगा आया नंगा चला जाऊंगा परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया परमेश्वर का नाम हाँ देखिए ऐसे समय में भी अयुब जो है अपना विश्वास और धैर्य को नहीं खोया तो आप में क्या बने जीवन में किस पर विश्वास रखना है परमेश्वर में धैर्यवाद रखें धैर्य रखें और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अयुब को चौगुना वापस लौटाया कितना गुना चौगुना फोर्थ पोर्सन ठीक है चौगुना परमेश्वर उसे वापस लौटाया जो धनी था उसका चार गुना ज्यादा धनी अयुब हुआ चार गुना ज्यादा बच्चे उसके हुए परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी तो ये पॉइंट जो है मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि क्या रहे जीवन में क्या रहना है विश्वास और धैर्य जीवन में बनाए रखे ओके नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रार्थना और कार्य प्रार्थना और कार्य प्रार्थना और कार्य तो प्रार्थना और कार्य तो के लिए मत रचित सुसमाचार उसका छब्बीस अध्याय और इकतालीस पद में इस प्रकार लिखा है जागते रहो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो फिर आगे वहाँ पर लिखा है आत्मा तो तैयार रहता है बट शरीर हमारा दुर्बल है लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना और कार्य इस किताब में बहाव के विरुद्ध एक किताब है जो हमारे मेट्रोपोलिटन के द्वारा लिखी गई है उसमें एक भाई का उदाहरण है वो त्रिपुरा का एक भाई है त्रिपुरा का एक भाई है और इसने तीन महीने में तीन महीने में सात चर्चों की स्थापना की तीन महीनों में कितने चर्चों की सात चर्चों की जब सात चर्च इसने इस्टेब्लिश किए तीन महीने में तो हमारे जो चर्च के लीडर्स थे बिशब लोग थे फादर्स लोग थे उन्होंने उन्हों का पता करो ये इसका सीक्रेट क्या है कि तीन महीने में सात कलिस ने कैसे खड़ी की तो उन्होंने पता किया और ये मालूम उनको हुआ कि ये व्यक्ति क्या करता है रात को घंटों घंटों प्रार्थना करता है और दिन में सेवकाई करता है रात को घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं दिन में सेवकाय करता है और परमेश्वर ने बहुत चिन्ह और चमत्कार किए इसके द्वारा तीन महीने में सात कलिसिया खड़ी इसने की तो प्रार्थना और कार्य हमारे जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है प्रार्थना भी करें और क्या करें काम भी करें इस बाइबल के समान और हमारे लिए बाइबल में उदाहरण है जिसका नाम है नहेमिया नहेमिया की कहानी कितनों ने सुनी नेहमिया ने कितने दिन में यरूशलेम की वाल को बनाया बावन दिन में पहले कितने साल लगे थे चार साल चार साल लगे थे यरूशलेम की बाउंड्री वाल को बनाने में पहली बार लेकिन इजरायली लोग जब बेबलोन की गुलामी में चले गए सत्तर साल सत्तर साल की ग़ुलामी के बाद वापस जब परमिशन उन्हें छोड़ा या छुटकारा उन्हें मिला तो ये में वापस अपने देश में आए लेकिन बाउंड्री वाल सब क्या थी टूट गई थी गिर गई थी और वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी और नहेमिया के पास हनानी करके एक भाई ने जानकारी दी कि यरूशलेम में ऐसी स्थिति है मिया रा अर्थ, अर्थ छत्र राजा पारसिया का राजा उनके अंडर में काम करता था उनको क्या पिलाता था है दाकरस पिलाने वाला था ठीक है तो उसका नौकरी बहुत अच्छा नौकरी था उस समय ठीक है क्योंकि राजा को दाक मधु पिलाना हर एक को नहीं वो नौकरी मिलती थी उसके लिए विश्वास योग्य व्यक्ति चाहिए था अच्छा ईमानदार व्यक्ति चाहिए था क्योंकि बेमान तो राजा को जेड़ दे करके के मार देते तो नहेमिया ईमानदार था तो नहे को ये अच्छा था उसका था अच्छी सैलरी थी सब कुछ अच्छा था उसका लेकिन नहे ने एक निर्णय दिया जैसे हनानी ने बताया कि यरुस्लिम की सैरपना टूटी हुई है बाइबल बताती है नहमे एक किताब आप ज़रूर पढ़ना ठीक है उसमें तेरा दिया है, उसको पढ़ना आप तो नहमे रोने लगा और एक दिन नहीं रोया ब्लक ब्लक करके रोके उपवास प्रार्थना करते करके रो चार महीने तक वो प्रार्थना करता रहा उपवास करता रहा चार महीने के बाद जब राजा के पास गया राजा को कहा ऐसे ऐसे यरूशलेम की स्थिति है राजा ने उसकी मदद की उसको यरूशलेम में जाने के लिए दिया रोसली में गया वहां के लोगों ने बहुत सारा विरोध भी नहम्या का किया लेकिन नहम्या प्रार्थना भी करता रहा कार्य भी करता रहा जिस काम को चार साल लगे थे नहम्या ने बावन दिन में खत्म कर दिया वो काम तो प्रार्थना और कार्य जब मिल के करते हैं तो अद्भुत चमत्कार होते हैं और असंभव काम भी संभव हो जाते हैं तो छठी बात हमने क्या सी की प्रार्थना और कार्य ठीक है प्रार्थना भी करना त्रिपुरा वाले के समान रात को प्रार्थना और दिन में सेवा तब जाकर के सात कल से स्थापित कर बहे के समान प्रार्थना करता था काम भी किया और असंभव काम को जिस काम को चार साल लगे थे बावन दिन में हो गया तो हमें प्रार्थना और कार्य करना चाहिए लास्ट अंतिम बात कह करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे साहसी निर्णय लेने वाला ठीक है साहसी साहसी निर्णय लेने वाला साहसी निर्णय लेने वाला होना हमें चाहिए प्रकाशित वाक्य उसका दो अध्याय छब्बीस वचन में लिखा है जो जीवित होता है जो विजयी होता है मेरी आज्ञा को अंत तक मानता है उसे मैं अन्य जातियों पर अधिकार दूंगा और प्रकाशित वाक्य में और पत्रियों में भी लिखा है कि जो ईमानदारी से सेवा सेवाकाई करेगा परमेश्वर उसे ऐसा मुकुट देगा जो उसने उसके लिए स्वर्ग में रखा है तो आप मैं कैसे बनना है साहसी बनना है हमारे निर्णय भी बने कठिन मुश्किल के समय में साहसी निर्णय हमें लेने की आवश्यकता है हमारे बाइबल में एलिया नबी करके एलिया नबी की कहानी सुनी आपने एक बार क्या हुआ है बाल के देवताओं के सामने बाल के नबी के सामने एक चुनौती रखी गई ना कारमेल में के एक क्या बनी गई बेदी बनाई ठीक है और हा लेकिन नैमे ने क्या किया नहीं, एलिया ने क्या एलिया के समय में पहले बाल के देवताओं से कहा बाल के नबियों से कहा आप अपने देवता से पूरा पूजा करो भजन करो खबन करो जो करना करो लेकिन यहाँ पर जो जानवर रखे हुए हैं, ऊपर से आसमान से या स्वर्ग से आग आनी चाहिए और अगर इस आग से ये जो रखी हुई बनी यहाँ पर जल जाएगी तो मान जाएंगे आपका ईश्वर जिंदा है और महान और सच्चा है अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके क्या करूंगा परमेश्वर से स्वर्ग की आग मांगूंगा अगर वो आग आ करके इस बलि को भसम कर देगी तो आप सबको मानना पड़ेगा तो आप देखिए वो कई दिनों तक वजन करते रहे बाल के नबी कुछ भी नहीं हुआ एलिया नबी ने मालूम है क्या किया पानी डाल दिया उसके लकड़ियों के ऊपर है ना आप थोड़ा सोचिए पानी खूब इतना पानी डाल दिया इतना पानी डाल दिया कि अगर चमत्कार भी होगा तब भी जाके वो जल नहीं सकती लेकिन परमेश्वर का अद्भुत काम देखिए यानी लोगों के मन में ये पिक्चर चली गई ये क्या कर रहा है ये काम ये तो हो ही नहीं सकता पहले उनके मन में ये होगा इसने कहीं तो छुपाई होगी जंगल में कहीं आग और जला करके देगा लेकिन उसने उनको क्या वो भी क्या कर दिया पानी जब डाल दिया उनको लगा अब तो कुछ होने वाला नहीं है। जब एलिया नबी ने ऐसी परिस्थिति के समय में परमेश्वर से प्रार्थना किया स्वर्ग से आग आई राख हो गए जमीन पत्थर सब जल गए तो देखिए साहस्य निर्णय अगर आप मैं वहां पर होते बोलते भाई तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं मेरा भी कुछ नहीं होने वाला है ना भाग जाते लेकिन देखिए ऐसा ऐसा साहसी होना निर्णय देखिए अकेला इन बाल के नबियों का सामना उसने किया जबरदस्त निर्णय था परमेश्वर के दास तो साहसी आपको मुझे कैसे बनना है साहसी कठिन परिस्थिति में भी साहसी बने साहसी समझते